हाय एवरीवन, मैं हूँ सुंदर अधिकारी और मैं आज आपके लिए लेके आऊँ करारा चीज़ टिक्की। तो इसके लिए मैं थोड़ा पनीर ग्रेट कर रहा हूँ और अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा बॉईल आलू काफ़ी अच्छी रेसिपी है, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। शायद मैं तो अपने गेस्ट को बहुत खिला चुका हूँ तो काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है, इसलिए मैंने सोचा इसको शेयर कर दूँ आप लोगों से भी। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ घसेगा इसमें, मतलब ग्रेट करेगा। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना ना भूलें, ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी वेजिटेबल, इसमें कैरेट, बीन्स चॉप किया हुआ है, फिर मैंने इसको बॉईल किया हुआ है। और अभी एक ग्रीन पीस डाल रहा हूँ, ये भी मैंने चॉप किया हुआ है, आप मिक्सी में चॉप कर सकते हैं इसको थोड़ा सा एक बार मिक्सी में। और ये थोड़ा काजू है, ये भी मैंने मिक्सी में थोड़ा वो किया है, क्रश किया है थोड़ा सा काजू। और ये जिंजर चॉप, और अब ग्रीन चिल्ली चॉप डालूंगा थोड़ा सा। और अब मैं डालूंगा थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, जीरा पाउडर, रोस्टेड चना दाल पाउडर, शायद मार्केट में अवेलेबल है रोस्टेड चना दाल पाउडर, नहीं होगा तो आप इसको क्रश कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम, ये कुछ पापड़ मैंने रोस्ट किए हुए हैं, शायद अगर आपके पास रोस्ट ना हो तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, फ्राई करके इसका चूरा बना, चूरा करना है। प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ एक बार मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाला है, शायद ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा ताकि सब मिक्सर मिल जाए। कैमरा तो उतना अच्छा नहीं है, शायद आपको अच्छा ना लग रहा हो। और अब मैं टिक्स का टिक्की बनाने जा रहा हूँ और थोड़ा सा मैं चीज भरूंगा अंदर से ताकि अच्छा लगे और खाने के बाद अंदर से चीजी फ्लेवर आए और बाहर से कुछ डिफरेंट फ्लेवर। और ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है थोड़ा सा, तो शायद मैं तो बल्क में बना रहा हूँ क्योंकि मैं गेस्ट के लिए ही बना रहा हूँ ये, तो शायद आप एक बैटर भी ले सकते हैं थोड़ा सा। इसको टिक्की रेडी होने के बाद थोड़ा सा बैटर में आप इसको डालिए और फिर इसमें कॉर्नफ्लेक्स बहुत अच्छी तरह लग जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक देना कि कैसा लगा आपको कस्टमर। और अब मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, मैंने बैटर में ऑलरेडी मैंने भी बैटर में भिगाया एक बार बैटर में, तो प्लीज़ आप भी बैटर में भिगाना। और ये हमारी टिक्की बहुत अच्छा है, काफ़ी काफ़ी कस्टमर का अच्छा फीडबैक आया है इसका कि अब बहुत अच्छा था, तो लोगों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं इसको, मैंने एक बार फेसबुक में शेयर किया था। प्लीज़ आप हाथ से निकालने के बाद ट्राई मत करना क्योंकि मुझे तो रोज़ हैबिट है तो मैं हाथ से निकाल लेता हूँ, काफ़ी गर्म हुआ, आप ट्राई मत करना हाथ से निकालने के। प्लीज़ ये आपका वेज चीज़ टिक्की भी बोल सकते हैं, चीज़ टकाटक भी बोल सकते हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू।